तो कुंभलगढ़ का प्लान तो हमने अभी एक्सटेंड कर दिया है कल के लिए, क्योंकि नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक टू द अनदर वी लॉग ऑफ ट्रेंडिंग जोकर्स। सो बहुत दिनों बाद हम पोस्ट कर रहे हैं वीडियो, तो हमारा ये पहला ट्रिप है इंदौर से उदयपुर का। हाँ, ये पहला ट्रेवल ब्लॉग होने वाला है और हम इंदौर से कुछ रात को निकले थे करीब 1 या 2 बजे, तो अभी हम ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो हमारा देख सकते हो पर्सनल व्हीकल, हमारा सारा स्टफ एंड सामान उसमें, और इस ट्रिप में हमारे 2 फ्रेंड हमारे साथ में हैं जो कि आप देख सकते हैं पीछे। तो बस सब पहुंचने ही वाले हैं उदयपुर, उसके बाद में आपको ये जो व्लॉग सीरीज़ है 1-3 वीडियो में मिलेगी आपको। बिल्कुल, उदयपुर के आसपास की चीज़ों भी फेमस प्लेसेस से जो भी विजिट के लायक है, जहाँ जहाँ पर विजिट मस्ट विजिट बनता है, तो वहाँ का भी पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे, और ये पूरा व्लॉग तो ऑलरेडी है ही सही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। सो इंदौर से निकलते टाइम तक का तो आपको जो भी हमारा सीन था वो इतना कुछ बता पाए नहीं हैं हम आपको, तो जो भी हमने रिकॉर्ड किया है नाइट में वो आप जाओ और पहले देख के आओ। और रुको रुको, जाने से पहले आपको बता दें कि जो पूरा इस ट्रिप की ड्राइविंग का क्रेडिट है वो पूरा जाता है विनायक को, और इस पूरी ट्रिप के जो मैनेजमेंट है उसका क्रेडिट जाता है पीछे सूरज के बीच में जो दिख वो तरुण को जाता है। तो आप ठीक है, आप जाइए देख के आइए। फाइनली होटल में आ चुके हैं, रेडी वेडी हो चुके हैं अच्छे से, सारा अरेंज हो चुका है ऊपर, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। और अब हम पीछे एक बार आप जस्ट व्यू देखिए कि हम जो हमारा होटल है जो हमने ओयो से बुक किया था, देख सकते हैं पूरा इसका पूरा देखिए ओवर ही पूरा देखिए। रिसोर्ट है इसका नाम है काली का रिसोर्ट करके कुछ ये रिसोर्ट है। पीछे पूरा माउंटेन रेंज है, पूरा माउंटेन वाला फील है। तो बस इसके बाद अभी हमारा यहाँ पे कुछ लंच करने के बाद हम निकलेंगे कुंभलगढ़ के लिए। तो ये पूरा व्लॉग आपको कुंभलगढ़ के लिए मिलेगा। हाँ, तो बेसिकली इंदौर से उदयपुर आए हम, होटल में रुके हैं, ये हुआ है, उसके बाद सीधे कुंभलगढ़ मिलेंगे। सो कुंभलगढ़ का पूरा कंप्लीट आपको जितना भी हो सकेगा हमसे पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सो स्टेट्यून का कुंभलगढ़ का प्लान तो हमने अभी एक्सटेंड कर दिया है कल के लिए, क्योंकि आज जैसे हमको लोगों ने गाइड किया कि अभी आप बहुत लेट हो चुके हो एक्चुअल में, सो जाने का मतलब इतना सेंस निकलेगा नहीं। तो आज हमने स्टार्ट किया है करणी माता टेम्पल से और सभी प्लेसेस जो है उदयपुर के मेन में जितना पॉसिबल होगा उतने प्लेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करणी माता का प्लेसेस है, यहाँ पर जो टेम्पल है वहाँ पर कुछ कहाँ से कैसे जाते हैं वो उड़न खटोला, मतलब हमको बस यही नाम याद है। तो हाँ मतलब रोप वे, यस राइट वर्ड, रोप वे से जाएंगे ऊपर तक, तो रोप वे का भी आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके बताएंगे पूरे वीडियो में। नेक्स्ट सीन मिलेगा आपको रोप वे का मिलेगा, एंजॉय करें। हाँ, सो टिकट लेके आ चुके हैं, 110 रुपीज़ का एक टिकट है बस, और भयंकर यहाँ पे रश है, देख सकते हो रश काफ़ी ज़्यादा है, नंबर लगे हुए हैं काफ़ी। सो हमारा भी नंबर वो तो किस्मत से जल्दी मिल गया, क्योंकि एक अंकल ने हमसे बाहर एक्सचेंज कर ली थी, तो हमको जल्दी वाला नंबर टिकट का मिल गया। सो फाइनली देख सकते हो इतनी भीड़ अभी है, अब नंबर हमारा आने वाला है, साथ में हमारे फ्रेंड्स भी पीछे हैं, एक बार हाय हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं उसके अंदर बैठने के बाद। सो रोपवे से उतर के टेम्पल की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल जरा सा भी डर लगा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट हमारे लायक तो नहीं था जो भी, सीरियसली मतलब बोर हो गए उसमें, पैसे एकदम वेस्ट गए सारे ही। ठीक है, फिर टेंपल के लिए तो लेकिन व्यू देख सकते हो पीछे, व्यू बहुत बेहतरीन है। हाँ, व्यू काफ़ी अच्छा था,
ठीक है, तो अब टेंपल के अंदर मिलेंगे। फाइनली एक से दो घंटा वेट करने के बाद नंबर आ गया है वापस से नीचे जाने का। और आपकी बार अच्छा है कि हम फर्स्ट वाली में बैठेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। सबसे रिक्वेस्ट करी, बड़ी मुश्किल से हमने फर्स्ट वाली रूम मिली, मतलब जो ये क्या बोलते हैं जो भी, हमको फर्स्ट वाली मिली बड़ी मुश्किल से, तो फर्स्ट वाली में जाएंगे। चलो 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 चलो, यस फाइनली सबसे आगे बैठ चुके हैं, सबसे आगे बैठे हम, विंडो डाउन भी साथ में। फाइनली घूम फिर के आ चुके हैं और मतलब भयानक रूप से थक चुके हैं हम लोग बिल्कुल। अब आज का तो दिन हमारा ये ख़त्म होता है जो हमने उदयपुर की पूरी मेन प्लेसेस थी वो सब विजिट की है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद फाइनली जो प्लेस पे आए हम, अभी बड़े हार्डली हमको पता लगा कि ये सनसेट पॉइंट है। बिल्कुल, अभी आप देख रहे होगे एक शॉट, हाँ पूरा कितना अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है, हमको भी काफ़ी अच्छा, बहुत पीसफुल प्लेस तो नहीं बोल सकते बट फिर भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है इस प्लेस में आने के बाद। तो बस इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलते हैं जो कुंभलगढ़ के ऊपर होगा। बस तो इस व्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, बस सिनेमेटिक शॉट देखते जाइएगा। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। It's caught in the crossfire.